हे वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू सेव मोबाइल डेटा। अगर आपके फोन में डेली मोबाइल इंटरनेट बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं तो कुछ हिडन सेटिंग्स और डेटा सेवर फीचर्स को एक्टिवेट करके थोड़ा बहुत इंटरनेट डेटा बचा सकते हैं। अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम पर रील देखना पसंद करते हैं तो उन सभी वीडियो की क्वालिटी थोड़ा कम कर दीजिए, नहीं तो वीडियोस कॉल करते हुए कब डेटा खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। अब हम सीखेंगे डेटा सेवर मोड एक्टिवेट कैसे करें। इस डिवाइस में फ़ोन सेटिंग्स ओपन कीजिए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बार पे फाइंड करना है डेटा सेवर। अब इस इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करके डेटा सेवर सेटिंग्स में जा सकते हैं, या तो फोन सेटिंग्स ओपन करने के बाद कनेक्शन में जाइए, इसके बाद डेटा यूसेज। गाइस यहाँ पर आपको डेटा सेवर फीचर्स देखने को मिल जाएगा, इस टर्न ऑन कर दीजिए। ये डेटा सेविंग है क्या और ये काम कैसे करते हैं? देखिए दोस्तों, जब आपके फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन ऑन होते हैं तब बैकग्राउंड में बहुत सारे एप्लीकेशन ऑटोमेटिक मोबाइल डेटा कंज्यूम करते रहते हैं। डेटा सेविंग ऑन करने से उन सभी एप्लीकेशन का बैकग्राउंड डेटा रिस्ट्रिक्टेड मतलब बंद हो जाएगा। इसका मतलब जब उस एप्लीकेशन को उपयोग करेंगे तब वो मोबाइल डेटा ले सकते हैं, और जब उस एप्लीकेशन से बाहर आएंगे तब उसका डेटा परमिशन बंद कर दिया जाएगा, जिससे थोड़ा बहुत मोबाइल इंटरनेट सेव किया जा सकते हैं। नेक्स्ट, एप्स दैट कैन ऑलवेज यूज डेटा, इस पर क्लिक करके ऐप लिस्ट ओपन कीजिए। यहाँ से आप किसी भी एप्लीकेशन का बैकग्राउंड डेटा यूसेज परमिशन अलाउ कर सकते हैं, मतलब उस एप्लीकेशन के ऊपर ये डेटा सेविंग वाला रिस्ट्रिक्शन काम नहीं करेगा। हमारे डिवाइस में दो तीन सिस्टम ऐप छोड़ के बाकी सब का ऑफ रहते हैं। इनमें से व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग एप्लीकेशन, क्रोम ब्राउजर या जो एप्लीकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसका परमिशन अलाउ कर सकते हैं, ताकि डेटा सेविंग एक्टिव होने के बावजूद बैकग्राउंड में व्हाट्सएप जैसा जरूरत की एप्लीकेशन चलते रहे। दोस्तों अब यहाँ से बैक आइए। डेटा यूसेज के अंदर एकदम लास्ट में एक सेटिंग्स देखने को मिलेगा, अल्टा डेटा सेविंग मोड। इसमें क्या होता है, मोबाइल डेटा यूज करके आप जो चीज़ डाउनलोड या अपलोड करेंगे उसका फाइल साइज कॉम्प्रेस हो जाएगा, तो पहले इसे टर्न ऑन करें। अल्टा डेटा सेविंग में भी सभी एप्लीकेशन का बैकग्राउंड डेटा ऑफ रहेगा, उसके साथ डाउनलोड और अपलोड फाइल साइज छोटा हो जाएगा। अब यहाँ टिक लगा के इनेबल कर दीजिए। दोस्तों ऊपर में देखिए अल्टा डेटा सेविंग मोड एक्टिवेट हो चुका है और उसका लोगो भी दिखाई दे रहा है। इस फीचर्स को उपयोग करने के बाद हर महीने कितने डेटा सेव होता है यहाँ से उसका रिपोर्ट देख सकते हैं। डेटा कंप्रेशन, सैमसंग मैक्स VPN के जरिए डाउनलोड और अपलोड फाइल साइज कंप्रेस होता है। यहाँ कंप्रेशन सेटिंग से इमेज का डाउनलोड क्वालिटी लो, मीडियम या हाई रख सकते हैं। बेहतर होगा कि आप मीडियम रखें, वरना फोटो की क्वालिटी खराब हो जाएगा। दोस्तों इस तरह अपलोड क्वालिटी भी मीडियम सेट कीजिए। इसके बाद वीडियो सेविंग में डाउनलोड और अपलोड फाइल कंप्रेशन मीडियम सेट रखें। नेक्स्ट, ऑडियो सेविंग, ऑडियो में केवल डाउनलोड फाइल कंप्रेशन दिया गया है, इसमें भी मीडियम सेट करें। दोस्तों अब नेक्स्ट टाइम से जब इस डिवाइस में फोटो, वीडियो या ऑडियो फाइल डाउनलोड करेंगे उसका साइज कंप्रेस हो जाएगा, जिससे आपका मोबाइल डेटा कुछ हद तक सेव होगा। लिमिटेड बैकग्राउंड डेटा, सभी ऐप्स का बैकग्राउंड डेटा बंद किया हुआ है। यहाँ केवल ऐसे 6 ऐप्स जोड़ सकते हैं जिनका बैकग्राउंड डेटा एक्टिवेट रहेगा। प्लस आइकन पे टैप करके व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे एप्लीकेशन जोड़ सकते हैं। अगर किसी ऐप को रिमूव करना हो तो उस पर लॉन्ग टैप करके माइनस आइकन दबाते ही वो एप्लीकेशन चला जाएगा। दोस्तों अगर आप कम डेटा सेव करना चाहते हैं तो डेटा सेवर चालू रखें, अगर आप ज़्यादा डेटा बचाना चाहते हैं तो अल्टा डेटा सेवर मोड एक्टिवेट कीजिए। तो गाइज उम्मीद करते हो कि इस वीडियो में आपको सही जानकारी मिल गया है, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।